एनवीएन के दोस्तों हसन कमाल का नमस्ते स्वीकार कीजिए, सलाम कबूल कीजिए। बात दिल्ली की करेंगे, मगर पहले आपको एक बात बता दें। पिछले वीडियो में जब हमने दिल्ली की बात की थी तो एक शख्स का जिक्र किया था जो गोली चला रहा था, जिसका नाम शाहरुख बताया गया था। बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम शाहरुख नहीं था, कुछ और था। मेरे लिए ये बात कोई बहुत अहम नहीं है। अगर उसका नाम शाहरुख था तो भी वो टेररिस्ट था, और अगर उसका नाम कुछ और था तो भी वो टेररिस्ट था। और टेररिस्ट का कोई मज़हब नहीं होता, टेररिज्म का कोई मज़हब नहीं होता। हम अब भी अपने इस बयान पर कायम हैं कि कपिल मिश्रा और वारिस पठान एक ही सिक्के के दो रुख हैं। शुक्र है कि दिल्ली में हालात अब काबू में आ गए हैं, यानी कम से कम आग बुझा दी गई है, जो मैयतें मिल गई हैं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है या उन्हें दफन कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस और बीजेपी के लीडर बगले बजा रहे हैं कि देखिए हमारी पुलिस ने कैसे 24 घंटे में हालात पर काबू पा लिया। बिल्कुल सही है, मगर आपकी पुलिस उससे पहले वाले 72 घंटों में क्या कर रही थी, कहाँ थी? मैं बताऊँ वो क्या कर रही थी। वो एक नौजवान फैजान को डंडे मार मार के उससे नेशनल एंथम गवा रही थी। देखिए आजादी, हिंदुस्तान में आजादी, आजादी, आजादी। दिल्ली पुलिस का कितना क्या रोल रहा है इसमें? दिल्ली पुलिस का ये रोल रहा है सर, क्या उन्होंने बोला हम 15 मिनट का गारंटी लेते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम जितने जने हो, हमें एक जनों ने 2.5 लाख रुपए दिया, एक ने 2 लाख रुपए दिया, एक ने 50,000 रुपए दिया, तो उन्हें 15 मिनट में 5 लाख रुपए दिए, तो उन्होंने यहाँ के जितने भी बचे हुए थे उनकी जान बचा के यहाँ तक पहुँचाए। तब भी उन्होंने बोला क्या जय श्री राम बोलो, जो रास्ते में आते हुए बोला क्या जय श्री राम बोलो, 5,000 रुपए यूं बताया जा रहा है, 5,000 रुपए बोल रहे थे, लूट के 5,000 रुपए हर एक पुलिस वाले को देना जितने भी यहाँ खड़े थे। फैजान अब इस दुनिया में नहीं रहा, कौमी तराना गाता हुआ इस दुनिया से चला गया। उसके बाद मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, कि मोदी जी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल साहब एक मामूली थानेदार की तरह गलियों में घूम रहे हैं। जब उसने एक औरत ने ये कहा कि मेरा तो हार्ट फेल हो जाता, तो सुनिए उनका जवाब क्या था। उसके बाद फिर जब लोगों ने उन्हें घेरा तो उन्होंने कहा कि जो हुआ सो हुआ। नहीं डोभाल साहब, ये बात इतनी आसान नहीं है, जो हुआ सो हुआ नहीं, ये जानिए कि क्या हुआ। नई नवेली दुल्हनें बेवा हो गईं, बच्चे यतीम हो गए, अनाथ हो गए, बूढ़े बापों ने अपने जवान बेटों की लाशें देखी। जो हुआ सो हुआ कहकर गुजर जाना बहुत आसान है, बहुत बड़ा हादसा हो गया। देखिए अजीत डोभाल साहब ने क्या फरमाया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए, और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा, यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी, जो कुछ हो गया वो हो गया। उसके बाद कुछ और भी बड़ी दिलचस्प बातें, दिलचस्प तो एक बात है जो मुंह से निकल जाती है, वरना दिलचस्प तो कोई बात नहीं। लेकिन बहरहाल मोदी सरकार के एक मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद साहब ने ये कहा कि शायद दिल्ली में जो कुछ भी हुआ या जो भी दंगे हो रहे हैं वो तो कांग्रेस और आप ने कराएं। मैं आपकी बात नहीं काटूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन हुजूर सरकार तो आपकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका था, पुलिस तो आपकी थी, अगर कांग्रेस ये सब कर रही थी तो आप क्या कर रहे थे, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? सुना नहीं आपने अमेरिकन मीडिया क्या कह रही थी? अमेरिका मीडिया ये कह रही थी कि दिल्ली जल रहा था
और प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के साथ बातें कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद जी, आप तो जानते हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि ये एजिटेशन NRC, NPR और CAA के ख़िलाफ़ तो सारे हिंदुस्तान में चल रहा है। कुछ कहते हैं 92 शहरों में चल रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा चल रहा हो। अब तो मेघालय भी पहुँच गया। फसाद वहीं क्यों होता है जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ सब कुछ आपके हाथ में है? बाकी जगह क्यों नहीं फसाद कर रहे हैं लोग? यही लोग हैं जो वहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही लोग हैं जो वहाँ भी आवाज़ उठा रहे हैं। वहाँ तो कोई हंगामा नहीं। क्यों सारा हंगामा जो है वो दिल्ली में होता है, यूपी में होता है, गुजरात के किसी टाउन में हो जाता है? आप किस किस को बताएंगे कि वहाँ कांग्रेस कर रही है? तो जो हुआ है वो शायद इसलिए कभी नहीं बुलाया जा सकेगा कि ये उस शहर में हुआ है जिस शहर में 1984 में सिखों के ख़िलाफ़ कत्लेआम देखा था। वहाँ के लोगों को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम नहीं, अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये किसी वक्त भी उतना ही बड़ा एजिटेशन हो सकता है। बहरहाल, मैंने ये सुना है, मुझे बताया गया है कि वहाँ पर कई कॉलोनीज़ के हिंदू बाहर निकले और मुसलमानों के घरों पे गए और उनसे कहा कि अगर कोई मॉब अटैक होगा तो आपके साथ हम खड़े हैं। हो सकता है उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा ना हो, कम हो, लेकिन मेरे लिए ये बात बहुत अहम है क्योंकि ये सारी चीज़ें कराई क्यों जा रही हैं? ये सारी चीज़ें कराई इसलिए जा रही हैं कि लोग डिवाइड हों। BJP का शायद मतलब ही यही है कि लोग डिवाइड हों ताकि उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन लोग डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कल भी जंतर मंतर पर जिन लोगों ने किया, इतना बड़ा प्रदर्शन किया, तो वो डिवीज़न का नतीजा नहीं था, वो यूनिटी का नतीजा था। आपकी वजह से और इन तमाम बातों की वजह से जो लोग पहले एक दूसरे से दूर हो गए थे वो भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। देख नहीं रहे हैं आप सिख बिरादरी किस तरीके से सामने आई है? सिख बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी में इतना एका कभी नहीं था। आज अगर है तो BJP और संघ परिवार की वजह से, और अगर अब भी उनको होश नहीं आता तो हम उन्हें बता दें कि जिन सांपों को वो दूध पिला रहे हैं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा, वो सबसे पहले उन्हीं को डसेंगे। उन्हीं की बातों की वजह से BJP हारेगी। जहां भी इलेक्शन होगा वहां हारेगी, और आप देख लीजिएगा कि बिहार में और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें क्या होगा। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।